एकदम प्लेन कर दो, माइक ऐसा ही माइक, वो तो बहुत अच्छा माइक है आपका। क्या है कि माइक इनका बहुत अच्छा था, पर क्या है कि आदमी जब क्रम में रहता है ना, तो वो फिक्स रहता है सिस्टम कि इसके बाद ये और इसके बाद ये और इसके बाद ये। तो हमारे बुद्धि भाई का सिस्टम है कि इसके बाद ये और इसके बाद ये। तो ये आते से यही कहते हैं कि इसका ये कम करो, ज़्यादा करो, फलाना, वो ओरिजिनल समझ जाता है। तो वो जो सेट करा हुआ रहता है वो भी बिगड़ जाता है, और फिर सब उसके पीछे पीछे दौड़ा करते हैं, भाई ये कर वो कर ये कर वो कर, और वो ये कर वो करने के चक्कर में ही रह जाता है, और आदमी जिंदगी भर भटकता रहता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि वो मटकी वाली राधा और वो कान्हा जी, बुद्धि भैया मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिसके सर पर मटकी, सुरेंद्र भैया जिसके सर पर मटकी वो कितने जन्म भटकी। ये तो खाली यू तुक तड़ा का मिल गया, एक लाइन थी बाकी भाई आगे कर। ये क्या है कि वो मटकी की भटकी से तुक बंदी थी, बाकी मेरा को ऐसा कुछ नहीं। भैया थोड़ा साइड से बैठ जाओ, वो जो कह रहा है कि साइड से बैठ जाओ, बाकी और कोई कुछ भी नहीं कह रहा। मैं पहली बार यहाँ बारह में बहुत साल बाद आया हूँ। अरे आवाज़ अच्छी है यार, कोई बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया, सब सारा शानदार। अरे आ जाएगी यार, भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप? अबे अरे लक्ष्मण जी आप कैसे हो, आवाज़ नहीं आ रही। इस दुनिया में लक्ष्मणों की आवाज़ जा रही, राम तो चुपचाप पड़े हैं। बड़ी मुश्किल से जाकर के अब टापरा बन रही अयोध्या में, बाकी तो यूं ही झाड़ के नीचे बैठे थे रामचंद्र जी, टाट पल्ले ही नहीं थे। रामचंद्र जी के मर्जी पड़े वहाँ, भारतीय संस्कृति में 33 कोटि देवता है, मर्जी पड़े वहाँ उनको बिठा रखा। ये कौन से भगवान बोले ये बड़ वाले बाबा, बड़ के नीचे बिठा दिया। ये बोले ये खजूर वाले बाबा, ये आम वाले बाबा, ये पीपल वाले बाबा, बाबा झाड़ के नीचे ही बैठे हुए अभी तक। और मेरे को आज तक समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर मान लो ये झाड़ नहीं होते तो इन बाबाओं का क्या होता, ये बाबा कहाँ बैठते कम से कम। तो आप लक्ष्मण भैया बिल्कुल शांति रखो, आप अखबार के आदमी हो, आप मीडिया के आदमी हो, आप अखबार वाले आदमी हो, आप लिखने वाले आदमी हो, इस मंच पर लिखने वाले लोग बैठे हुए, आप अखबार के आदमी यहाँ पर बैठे हुए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरी वजह से अगर आपकी भावना को ठेस पहुंची है, मेरी वजह से आपकी भावना को ठेस पहुंची है, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और अगर आपकी वजह से मेरी भावना को ठेस पहुंची है तो भी मैं ही क्षमा चाहता हूं। बात है भैया, अरे बात अब आ रही है, देखो तो सही, तुम अभी बात आ रही है। जो लोग पीछे खड़े हुए हैं वो अभी तक इसलिए खड़े हुए हैं कि वो बहुत सारे तो यही सोच रहे हैं कि यार कहीं जी कभी जो बीजेपी का है कि कांग्रेस का सोच रहे हैं वो दिमाग में। आपने अरस्तु को पढ़ा होगा, मंच में विद्वान लोग बैठे हुए हैं अभी तक सब ने, हमारे दीदी आदरणीय ने बताया ना कि रमेश जी बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं। अब यार क्या है कि एक तो कवि सम्मेलन में टाइम कम रहता है, और अपन ये बताते फिर कब ये बैठे हैं, ये बैठे, भाई ये तो सब बैठने की व्यवस्था इसलिए बैठे हुए, खड़े कब तक रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, आप जानते हो मेरे को, ये दिल्ली बम्बई ने बेंगलोर ने हैदराबाद ने जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, मैं तो कहीं नहीं गया, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन दिल्ली बम्बई बेंगलोर हैदराबाद घूमते फिरो, अपन इधर उधर रोते फिरो, और अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे, क्या मतलब है? अपने को घर पे रहना जरूरी है, है? अपने को समस्या देश में बस यही है, इस देश में पक्ष और विपक्ष इन दोनों में बस यही समस्या है। विपक्ष है की बात कह रहे हैं पक्ष से, बोले मोदी जी घर पे नहीं रह रहे, मोदी जी घर पे नहीं रह रहे, जब देखो तब मोदी जी विदेश में। अब इनको ये कौन समझाए कि अगला आदमी घर पे भी क्या करे, भाई अगले की घर पे जरूरत क्या है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगला आदमी भी वहां जा रहा है तो वो भी भटक ही रहा है, बस भटक रहा है। तो और इसलिए ये जो राजस्थान का डोल मेला आएगा, ये कवि सम्मेलन है, ये बरसों से हो रहा है, इस लोक संस्कृति को आप लोगों ने जिंदा रखा, मैं नगर परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे सुरेंद्र यादवेंद्र जी हमारे बड़े, मैं ये तो कहूँगा नहीं कि ये मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस कवि सम्मेलन के मंच पे, माँ सरस्वती के मंच पे सर्वाधिक झूठ ही यहाँ बोला जा रहा है। ये मेरे बड़े भाई साहब बैठे, और ये मेरे छोटे भाई, और ये मोनिका जी मेरी बड़ी बहन, और ये ऐसे कैसे भाई बहन कैसे, ये कहाँ रहती, मैं कहाँ रहता हूँ, ये कहाँ रहते, मेरे पिताजी कहाँ रहते थे, है? अरे क्या बात, क्या अपने बाप बदनाम होते हैं कि नहीं होते, क्या मतलब है यार, कोई किसी के भाई भाई नहीं है भैया, ये फोकट की बात है।
कम से कम इस मंच पे तो झूठ मत बोलो। अरे यार आजकल इस देश के अंदर नेता राजनीति में एकता हो गई और कवियों में एकता नहीं हो रही है। अब नेताओं के भैया नेता तक में एकता हो गई। आज मैं कह रहा हूँ इस देश के अंदर रमेश भाई जितनी एकता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है इतनी किसी में नहीं है। मर्जी बड़ा जो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 22 विधायक कांग्रेस के बीजेपी में कूदे। बोले तुम इधर क्यों कूदे? बोले हम देशभक्ति करना चाहते हैं। उनके देशभक्ति की बावड़ आई अंदर से। अच्छा यार बीजेपी में उनको अब जब उनको जरूरत पड़ती है इधर वाले उधर चले जाते हैं, उधर वाले इधर आ रहे हैं, प्रेम से सब आ रहे हैं। और लोगों ने एक मुद्दा बना लिया, बोले देशभक्ति कौन कर रहा? बोले बीजेपी वाले देशभक्ति कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, इस देश में सारी पार्टियां देशभक्त है, इस हिंदुस्तान की फिक्र किसको नहीं है? रामो वामो सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी सब देश को चाहती है, वतन को कौन नहीं चाह रहा है? इस देश को पूरा सारी पार्टियां चाहती है, है? सुबह में 4 बजे उठ करके राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, दौड़ दौड़ करके देश को अगला आदमी जोड़ रहा है। और वो इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि उसकी उम्र दौड़ने की है, इसलिए वो दौड़ रहे हैं। अब मोदी जी इस उम्र में दौड़ नहीं सकते, उन्होंने अमित शाह से कहा, वो तो दौड़ नहीं सकते, तो उन्होंने अमित शाह से कहा। बोला मैं क्या करूं? बोले दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ते हैं? बोले चीते। बोले लाओ चीते अफ्रीका से, 22 चीते लाए। बोले दौड़ के बताओ बिता। अब वो चीते दौड़ रहे रात दिन चैनल पे, 25-30 दिन हो गए, चीते इतने दौड़ रहे भाई साहब दिन रात सुबह में। अफ्रीका के जंगल से लाए 22-20 चीते। ये चीते इतने खतरनाक है, ये अफ्रीका के जंगल से लाए गए हैं, ये चीते फलाने, चीते खुद इतने डिप्रेशन में आ गए, हम चीते हैं भी के नहीं है। उन चीतों की ईमानदारी की वो बाहर नहीं कूद रहे हैं, चीते दौड़े जा रहे हैं साहब, कमाल साहब इतने दौड़ रहे हैं। टीवी वाले चैनल वाले उन चीतों को दौड़वा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पे बम फेंके, इतने बम फेंके रूस ने यूक्रेन पे, जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन को पता चला तो उसने उनको बुलाया चैनल वाले को, बोले भैया मेरे खुद के पास खत्म हो गए, अब मैं कहाँ फेंक रहा? अभी फेंक ही नहीं रहा मैं। बहुत बढ़िया जानी। अरे बोरिया का फेंकना फाकनी मैंने बंद कर दिया, मैं तो फेंक ही नहीं रहा हूँ। बोले तुम्हारे नहीं फेंकने से हमको क्या लेना देना, हम तो फेंकेंगे और हम तब तक फेंकते रहेंगे जब तक आलिया भट्ट को सेकंड डिलीवरी नहीं होती है। भाई हमको भी फेंकने के लिए चाहिए आइटम, तो इसलिए हम तो फेंकेंगे। तुम्हारे पास बम खत्म हो गए, इसका मतलब ये हमको क्या लेना देना। इसलिए चैनल वाले अपने आप में फेंक रहे हैं।